हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है, देखिए, बोरोसिल लिमिटेड का। ये कंपनी जो है, देखा जाए तो 50 ईयर्स का लेगेसी है इस बिजनेस में और एक अच्छा कंपनी है। और इसमें जो है, आने वाले समय में देखिएगा, इसमें एक अच्छा प्राइस मिल सकता है। और जिस प्राइस पे चल रहा है, यहाँ से मानिए कि आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। लेकिन कैसे इसको मार्केट में प्ले करना है और किस तरह से टेक्निकल लेवल को आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल को सबसे पहले डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि इसमें आने वाले समय में कैसे प्राइस एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा, जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। और आपको क्या मिलेगा, टाइमली जो है इस तरह के शेयर्स मिलेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा और ताकि आप अच्छा पैसा बना सकें मार्केट से। तो सबसे पहले बात करें इस कंपनी का, तो देखिए 50 ईयर से ये कंपनी मार्केट में है और अच्छा खासा ग्रो कर रही है। और बात करें जिस फील्ड में काम करती है, यानी कांच बनाने में, तो वहाँ पर देखिए ग्लास में भी जो ग्लास ग्लास के बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोडक्ट ये बनाती है और उसमें अच्छा खासा पेनिट्रेशन रखती है इंडियन मार्केट में। और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बात किया जाए तो देखिए 70% से ज़्यादा का प्रमोटर होल्डिंग है। खेरुका फैमिली जो है इसके प्रमोटर हैं। और यहाँ पे बात किया जाए कि ये जो देखा जाए तो इस किस क्षेत्र में काम करते हैं, जो ये सारी ग्लासेस दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये सारे ग्लासेस जो है आपने कहीं ना कहीं आपने अपने किचन वेयर में देखा होगा। और ये सारे ग्लासेस जो है बोरोसिल बनाती है। और जैसे जैसे आपका, देखिए फ्यूचर क्या है इस कंपनी का, तो देखिए आपका जो है अर्बनाइजेशन जब बढ़ रहा है, और गाँव में भी बात करें, यदि बात करें रूरल इंडिया का, तो वहाँ पर भी देखिए ब्रांडेड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रहे हैं। और बोरोसिल जो है एक अच्छा खासा ब्रांड है, और उसके जो फ्लैक्स हैं, उसके ग्लास हैं, उसका, और बात करें तो आपके ओवन में, रेफ्रिजरेटर में, कुकवेयर में, बहुत सारी जगह जो है ग्लास के ये चीज़ें बनाती हैं और वहाँ पे इनका अच्छा खासा पेनिट्रेशन है। और इसमें देखा जाए आपको, देखिए ये जो आपका मिक्सर ग्राइंडर है, इसमें भी जो ग्लासेस लगे होते हैं, जो प्लास्टिक लगे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनाती हैं और बोरोसिल ये बनाता भी है। और कुकवेयर में देखिए ये चीज़ें बनाती हैं, सर्व के लिए बनाती है, हीट के लिए बनाती है, स्टोर आइटम्स जो है स्टोर करने के लिए आपको बनाती है। और ये चीज़ें जो है एवरी डे आपको रिक्वायर्ड होती हैं। मार्केट साइज़ देखा जाए ग्लास में, माइक्रोवेवल में, तो वहाँ पर देखिए 230 करोड़ का मार्केट है। मार्केट ग्रोथ देखा जाए इसका तो 10% का है। और वहीं पर टम्बलर्स की बात की जाए तो 520 करोड़ का, यहाँ भी आपको 10% का मार्केट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टोरेज में देखें 700 करोड़ का इसका बिजनेस होता है, मार्केट साइज है इसका, और 15 से 20% का इसका जो है इसमें मार्केट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि मार्केट ग्रोथ क्या है। ये 10%, 10%, 15%, 20% जो है कहीं ना कहीं मायने रखता है कि फ्यूचर में अच्छा प्राइस ये दे सकता है। वहीं पर बात करें बॉटल का, तो वहाँ पर देखिए 1100 करोड़ का जो है ये बिजनेस करती है, 10% का मार्केट जो है ग्रोथ है। ओपेला वेयर में देखा जाए तो 900 करोड़ का, और यहाँ भी देखा जाए 15% से 20% का ग्रोथ है, यानी 10% से ग्रोथ तक कम तो कहीं है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सारे फील्ड में आपको यहाँ पे लगभग लगभग 15%, तो 12 से 15% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में 9000 करोड़ का टोटल जो है इनका कैपेसिटी है, मार्केट साइज है, और 10% का यहाँ भी आपको देखा जाए तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाए। वहीं पे एस्टिमेटेड मार्केट साइज देगा माइक्रोवेवेबल का, तो वहाँ पे 60% ग्रोथ देखने को मिला। टम्बर इन्वर्स का यहाँ पर देखा जाए, सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिल का, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। और अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू ग्लास, देखिए प्लास्टिक जैसे जैसे बैन हो रहा है, तो वहाँ पर लोगों में ये जागरूकता हो रही है कि प्लास्टिक की जगह ग्लास के बॉटल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएँ, और कहीं ना कहीं ये जो है फ्यूचर में इसको फ़ायदा पहुँचाएगा। अब बात करें इसका फंडामेंटल का दोस्तों, तो यहाँ पे देखें तो आपको फंडामेंटल में देखेगा तो आप यहाँ देखिए, तो आखिर इनकम देखा जाए 2019 में जहाँ देखा जाए रिवेन्यू उनका 380 करोड़ के आसपास था, आज के डेट में देखा जाए तो 864 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिला है। एबिटा भी अच्छा खासा आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयर इन ईयर बेसिस पे। ईपीएस देखिए अच्छा खासा बढ़ रहा है, और ईपीएस ही आप देखिए जो डबल है पिछले साल 2021 में जहाँ 3.69 था, आज के डेट में 7.33 है, तो अच्छा खासा ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो यहाँ पे आप बात करें तो इसका आरओसी देखा जाए तो 18.3% का है, आरओई देखा जाए 12.5% का, तो अच्छा खासा ठीक ठाक पोजीशन पे है। स्टॉक का पी जो है 43 है, जबकि इंडस्ट्री पी जो 32 है, तो थोड़ा सा स्लाइटली महंगा है। लेकिन जो बिजनेस ये करती है और जो प्लास्टिक बैन है, तो वहाँ पर इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो आपका अच्छा खासा 130% का देखने को मिल रहा है। डेप देखा जाए तो 0 है, डेप टू इक्विटी देखा जाए तो 0.00 है, मतलब 0 है। और यहाँ पर देखा जाए तो
यहाँ पे डेप जो है 1.19 करोड़ का है, जबकि ये प्रॉफिट करती है 91.7 करोड़ का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी कहीं भी फंडामेंटली आपको खराब नहीं दिखती है। और इस कंपनी का देखा जाए तो 1500 15,000 रिटेल आउटलेट्स हैं में अवेलेबल है ग्लासवेयर और किचनवेयर का। तो अच्छा खासा जो है, जो मैंने बोला कि इंडियन मार्केट में पेनिट्रेशन है। और जो आप देखिए जनसंख्या जैसे जैसे हमारी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे रूरल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ये सारी चीज़ें आई हैं, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेटर फ्रिजवेयर और लोगों में प्लास्टिक आइटम को छोड़ के ग्लासवेयर ग्लास से रिलेटेड आइटम पे ज़्यादा ध्यान फोकस जा रहा है, तो आपको फ्यूचर में पैसा बना के दे सकता है। अब बात करें इसका टेक्निकल लेवल पे आ जाए तो दोस्तों अभी जिस प्राइस पे चल रहा है, तो क्या यहाँ पे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी होगी। तो आपको किस लेवल पे आपको खरीदना चाहिए, देखिए आज के डेट में देखा जाए तो रेड कैंडल बनाया है, तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना, अभी आपको नहीं खरीदना है। खरीदना कहाँ है तो थोड़ा सा एक साल को चार्ट को हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे पिछले साल हम लोग देखें तो देखिए 223 के आसपास का एक हाई लगा हुआ था अगस्त में, और ये देखा जाए तो अच्छा खासा जो है आपको देखिए अक्टूबर तक इसी प्राइस के आसपास मिल रहा था। और फिर यही लेवल देखा जाए तो यहाँ पे ये जो लेवल हाई लगाया था और यहाँ पे देखा 240 का, तो यहाँ पे जो इसने तोड़ा था, जो यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, और अच्छा खासा यहाँ से आपको अच्छा प्राइस मिला था। और इसके बाद देखा जाए तो एक जो है 312 का लेवल जो है, जहाँ पे इसने जो है रेजिस्टेंस दिया था, और यहाँ पे देखिए इसको मार्क करें तो इसके ऊपर चल रहा है। और यहाँ देखिए तो ये जब शेयर जो है, मैंने यहाँ पे भी आपको एक वीडियो बना के दिया था, और यहाँ से आपको तुरंत जो है 16 दिसंबर का मेरा वीडियो देखिएगा, तो इसके बाद आपको लगभग लगभग 500 का प्राइस आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिला था। तो इसका फ़ायदा आपको जरूर मिला होगा यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा और सब्सक्राइब करके रखा होगा। इसके बाद देखिए मैंने हमेशा बताया कि आपको ट्रेड कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जो हाई लगा है 440 का, तो ये तो डेफिनेट था आपका स्टॉप लॉस बनता। और इसके बाद देखा जाए तो यदि इसने क्लोजिंग जो है, जो ओपनिंग हुई, इसके नीचे आने लगता तो वहाँ पे आपको निकल जाने चाहिए, वेट करना चाहिए, फिर ये 500 के ऊपर जाएगा तो फिर खरीदेंगे। अदरवाइज देखिए नीचे आने लगा और फिर ये जो यहाँ पे जो आपका 334 का लेवल था, यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। तो कहीं ना कहीं जब 334 पे आया तो आपको फिर से री एंट्री करनी थी, और री एंट्री करके देखा जाए तो ये जो लेवल है अभी भी यहाँ पे आपको इसी लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और इसके ऊपर निकलना, यानी यह जो लेवल है 338 का, ये आपको क्या करना है, एज ए स्टॉप लॉस प्ले करना है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी समय यहाँ पे भी आपको सपोर्ट ले रहा था, और फिर देखा जाए तो इसी रेंज में, मतलब ये जो रेंज है 300 से 338 का, इस रेंज में इसके नीचे यदि जाता है तो फिर ये शेयर जो है ये नीचे के लेवल दिखा सकता है। और कहाँ तक दिखा सकता है, ये दिखा सकता है 285 का लेवल। और ये जो है आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, 321 रुपये को आप स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग यदि कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे जो है 350 पे अभी आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको वेट करना है, 365 के ऊपर निकलता है तो आपको निकलना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, तो 365 के ऊपर निकलता है तो बाइंग कीजिए, और इसके बीच में मत कीजिए, और नहीं तो आपको करना है 340 338 330 के बीच में, तो इस बीच में 321 से लेकर 348 के बीच में आपको एक्युमुलेट करना है और वेट करना है स्टॉप लॉस के साथ 300 का। और 300 से तोड़ता है तो फिर निकलिए, और फिर 300 ऊपर निकलता है तो फिर बाइंग करके अपने जो है इसमें चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आप एक्युमुलेट करते हैं तो देखा जाए तो आपको इस लेवल में, आपको एक साल में बहुत अच्छा प्राइस देखने को मिल सकता है। फिर फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे देखा जाए तो 396 का पहला टारगेट हमारा इसमें देखने को मिलेगा यहाँ से, और इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको वॉच करना है 414 का। 414 के ऊपर पेनिट्रेट करता है तो फिर आपको यहाँ पे अच्छा खासा फिर से जो है ये जो है 440 और उसके ऊपर निकलता है, तो ये 500 के लेवल को टच करेगा। तो ये सारे लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इसको आप जो है रिटन डाउन कर लीजिए ताकि चीज़ों को समझने में आसानी रहे, और मार्केट में जब प्ले करें तो हर चीज़ आपको याद रहेगी कैसे मैंने बताया था। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप अपना रिसर्च जरूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए, तभी कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे कहने या किसी और के कहने पर नहीं करना चाहिए, अपना एक इनपुट जरूर देना चाहिए, अपना एक स्ट्रेटजी जरूर बनानी चाहिए, ताकि उस स्ट्रेटजी के साथ आप यूनिक रहे मार्केट में और अच्छा पैसा बना सके। लेकिन पेशेंस आपको रखना होगा मार्केट में, तभी कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे बताना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।